हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। और आज है संडे और संडे होता है काफ़ी फन डे क्योंकि इनकी छुट्टी होती है, तो मैं अभी की ड्यूटी से फ्री हो जाती हूँ, उसे आराम से संभाल लेते हैं। अभी ये दोनों बैठे हैं बाहर धूप में उसे लेके, और जस्ट अभी मैं नहा के निकली हूँ और विंटर सीजन चालू है तो फिर स्किन बहुत रफ ड्राई फील होती है। तो सबसे पहले करते हैं अपनी स्किन की केयर और उसके बाद करते हैं धूप में एंटर। थोड़ी सी धूप सेक लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, अब सबसे पहले मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मामा अर्थ का फेस टोनर कॉटन बर्ड में, और इसको सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। और विंटर्स में मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट लगता है। ट्राई करेंगे लैक्मे का सन एक्सपर्ट, बिकॉज इसके बाद हम जाने वाले हैं धूप में और काफी देर धूप सेकने वाले हैं, तो खूब भारी मात्रा में मैं इसको लेने वाली हूँ। सनस्क्रीन हमारा अब्जॉर्ब हो चुका है, 3 मिनट वेट किया सनस्क्रीन को अब्जॉर्ब होने के लिए और वो अब्जॉर्ब हो चुका है। और अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं लिप बाम, यह है मीग्लो का। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं क्रीम, और वो है ये ओरिफ्लेम का ग्लो एसेंशियल्स। और ये मैंने समर्स में लिया था एक्चुअली, पर समर्स में ये ना ऐसी स्किन बहुत ऑयली होती है, तो ये थोड़ा सा ऑयली था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसको विंटर्स के लिए स्टॉक करके रखा हुआ था और अब मैं इसका यूज करने जा रही हूँ। अब मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया, बट अब जो भी अप्लाई किया है इसको लॉक करने के लिए मैं लगाती हूँ ये जॉनसन्स बेबी का पाउडर। जब मैं घर पर रहती हूँ तो मैं लगाती हूँ, अगर मुझे बाहर जाना होता है तो कॉम्पैक्ट पाउडर ऑब्वियसली, ये मेरे बेबी का है तो इसको मैं थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, इसको इसमें से चुरा लेती हूँ थोड़ा सा। बस ये बहुत ज़्यादा निकल गया, बट मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था। सो इट्स डन। इस पाउडर से जो भी आपने लगाया वो सब लॉक हो जाता है, तो इट्स अ बेस्ट। और अभी हेयर कॉम में जब करूंगी धूप में जाके, तो ये था मेरा थोड़ा छोटा सा स्किन केयर जो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। आई नो कि ये सब डेली करना चाहिए, स्किन केयर तो आपको डेली करनी ही चाहिए, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा रश रहता है, बट जब मुझे टाइम मिलता है या थोड़ा सा मन करता है तभी मैं करती हूँ। तो आज मेरा मन किया क्योंकि संडे भी है और स्किन एक्चुअल में बहुत ड्राई फील कर रही है, सो स्किन केयर भी अब मैं स्किप नहीं करूँगी, डेली ये करूँगी। और तो चलिए जाते हैं बाहर, हेयर करते हैं कॉम, थोड़ी देर बैठते हैं धूप में, उसके बाद करते हैं आगे की प्रोसेस। ये दोनों भी धूप में बैठे हैं तो चलिए चल के इनको ज्वाइन करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो? ये देखो ये क्या है? वाह, अभी ने क्या बनाया? डैडा ने बनाया। ओके, मैंने कपड़े भी डाले थे सो कपड़े मैंने डाल दिए हैं और ये बैठे हैं धूप में। इतना अच्छा लगता है ना, अंदर जाओ तो ठंडा लगता है और धूप में आओ तो बहुत गर्म गर्म सा लगता है, तो नीचे जाने का मन भी नहीं करता, मतलब घर अंदर जाने का। बट चलिए फिलहाल इनके साथ बैठते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम बनाएंगे लंच। कम
फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आई है, इसलिए हमने सोचा कि आज अभी को हम ये वाला जो लॉन्ड्री एरिया है यहाँ पे धूप मस्त आई है, तो हमने सोचा कि अभी को आज यहीं पे नहला देते हैं। और ये नहला रहे हैं उसे, तो उसके बाद खाना हमारा बन चुका है, अब उसके बाद खाएंगे डायरेक्ट खाना। तो ये आ गया है नहा के, और उसके कपड़े भी मैंने यहीं पर रेडी रख दिए हैं, इसको रेडी कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ ना कि यहीं पर मैट बिछाइए, तो यहीं धूप में खाना खा लेते हैं आज, अच्छा लगता है ना धूप में खाना खाना। जैसे सर्दियों में तो हर चीज़ धूप में अच्छी लगती है, चाहे धूप में नहाना हो, धूप में कपड़े धोना हो, धूप में खाना खाना हो, तो मस्त सी धूप आई है यहाँ पे। मैंने मैट वगैरह भी सब ऊपर की तरफ बिछा दिया, तो चलिए मैं इसको रेडी करने देते हैं, उसके बाद यहीं पर खाना लेके आती हूँ। फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम, शाम के बजे हैं 5 और आप देख रहे हैं बाहर शाम हो चुकी है। तो अभी मैंने चढ़ाई है गैस, हम लोगों ने लंच तो बाहर धूप पे करा था, बट उसके बाद आधा लंच करा था, फिर अंदर आ गए, फिर हम लोग अंदर आ गए, ऑलमोस्ट खा ही लिया था, थोड़ा सा बस अभी का बचा हुआ था, तो फिर हम लोग उसके बाद अंदर आ गए थे और अभी को सुला दिया था। और ये देख रहे थे मैच, आज था T20 फिनाले और इंग्लैंड जीत गई है। का प्लान है कि चलते हैं ब्लैक पैंथर देखने के लिए, ये मुझसे कल भी बोल रहे थे, बट कल मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे कल बिग बॉस देखना था, कल बिग बॉस में सलमान का वार आ रहा था, तो फिर वो तो मैं नहीं छोड़ सकती भाई, इसलिए हमने कल कैंसिल कर दिया। अब आज तो बोल रहे हैं कि जाना है, तो फिर चलते हैं, घूमी भी हो जाएगी, और वैसे भी आज सुबह से घर पर ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, तो ठीक है संडे इंजॉय करते हैं। और मूवी है 8 बजे से, तो अभी हम पीते हैं चाय, उसके बाद होते हैं निकलते हैं। अभी सोया हुआ है, वो भी उठ जाएगा, 2 घंटे हो गए उसको सोए हुए, तो उसके बाद फिर मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ, तो पहले पीते हैं चाय फिर मिलते हैं आपसे। और आज ना इसके चोट लग गई, ये देखिए, मतलब बच्चों के साथ ना नजर हटी तो ये दुर्घटना घटी। गुन्नी मूवी के नाम पे उठ गया, ये देखो अभी उठ गया। सो फ्रेंड्स अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए, और अभी भी उठ चुका है, अभी दिखाओ। अरे आपने क्या पहन लिया, ये देखो अभी यहाँ दिखाओ, अभी हेलमेट पहन के जा रहे हो 4-व्हीलर में। हाँ तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये भी रेडी हो चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं मूवी के लिए। मूवी में वैसे बहुत टाइम है, अभी तो बज रहा है 6:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो ठीक है देखते हैं टाइम से पहुँच जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर की तफरी मार लेंगे, वैसे भी आज संडे के दिन हम सुबह से घर पे ही। तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे ना, कब क्या हुआ, उनके बाइक में लग गई। हाँ साइलेंसर बुला दिया, अरे उसे पीछे वाला एक्शन कर दिया। ये है मोहित बगड़वाल जो हमारे आगे आगे बाइक में जा रहे हैं, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में इन्हें देखा है, इनकी आवाज भी सुनी है, इनका गाना भी सुना है, मोस्ट टैलेंटेड गाय। पता नहीं मूवी ये देखने आएंगे नहीं आएंगे, बट ठीक है अब उनके बाइक में कुछ किसी ने शायद ठोकर मार दिया, तो चलिए देखते हैं। और हम फिर से आ गए हैं अपने फेवरेट जोन में, यानी कि पार्किंग। ये पार्किंग तो आपको मेरे कई व्लॉग्स में देखने को मिली होगी और आगे भी मिलेगी, जब तुम्हें तो नहीं लगी पुरानी बाइक थी। अरे ये देखो गाड़ी वाले ने मारा, बाइक वाले ने जो हम अभी जो उतर नहीं रहा, अच्छा उसने मारा, ऐसे करके ले गया पूरा साइड। क्या चाहिए आपको, ये और ये कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा, मैं आप एक आज के लिए मेरे लिए, ओके। कहाँ से लाओगे, पैसे हैं आपके पास? हाँ आपके पास पैसे हैं, जाओ लेके आओ। ये देखो बिना पैसे के आइसक्रीम लेने चला है, देखती हूँ कहाँ तक जाता है। हाँ सो फ्रेंड्स मैं इतने देर से बोर हो गई हूँ, ये अभी तक आए भी नहीं है, और ये आ गया है
क्या लाए हो आप अपने लिए? वाओ, ये क्या लिखा है? मुझे दिखाओ फिर से। वही ये तो घर पे है। तो मोहित भी हमारे साथ मूवी देख रहे हैं, बट वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं। वो देखते हैं कंतारा और हम देख रहे हैं वकांडा फॉरएवर। तो हम जा रहे हैं अलग अलग मूवी देखने के लिए, बट टाइमिंग सेम है। चलो ये वाली मूवी देख रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और मूवी हो चुकी है खत्म। हम जा रहे हैं घर को और पहुंचने ही वाले हैं बस। तो मूवी अच्छी थी, मूवी के बारे में कहूँ तो अच्छी लगी मुझे। मुझे लगा था कि मुझे पसंद नहीं आएगी, मेरे मतलब कि नहीं होगी, बट अच्छी थी। और हमारी तरफ से इस मूवी, इस व्लॉग को आज करते हैं यहीं एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, है ना अभी? अभी मूवी में कौन था हीरो? कौन था? ब्लैक पैंथर था। और अभी को आप चाहिए ब्लैक पैंथर, है ना? तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, डांस विद मी।